रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रीरा फूड एंड ब्लॉग्स की तरफ से हाजिर हैं। आज आपके लिए कलेजी, भुनी हुई कलेजी की रेसिपी लेके आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसमें आधा किलो हमने कलेजी ली है। इसके साथ 2 चाय के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, और साथ ही प्याज एक मीडियम साइज़ का ले लें और उसको काट लें, और हरी मिर्चें हैं उन 2-3 उनको काट लेना है लंबी लंबी। आधा कप हमने दही का लिया है, और इसके साथ हसबे जायका आप नमक ले सकते हैं जिस तरह आपको पसंद है, और थोड़ी सी चुटकी से ये हल्दी का लिया है, और साथ ही 1 चम्मच हमने मिर्चों का लिया है, लाल मिर्च है, और साथ गरम मसाला। अब इसको हम कलेजी के ऊपर लगा लेंगे। इसके लिए हम पहले कलेजी डाल देंगे, और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ लाल मिर्च, और साथ ही दही, गरम मसाला, नमक, और ये हल्दी भी डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। मैरिनेशन इसकी कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए आप रख दें। इसके बाद इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम 1 चम्मच ऑयल का डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम 1 चम्मच ही डाल रहे हैं, और उसके साथ ही हम प्याज डाल देंगे, और इसको ज़रा पिंक होने देंगे थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम ये प्याज हमारा हो गया है स्नैरी का। अब इसके अंदर हम पेस्ट निकाला कुछ डाल देंगे। जब तक ये ऑयल ना छोड़ दें। कलेजी हम भून रहे हैं, ये ऑयल छोड़ना शुरू हो गई है तकरीबन। बस थोड़ा सा और, इसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे थोड़ा सा। कलेजी हमारी भून गई है अच्छी तरह, ये देखें इसमें इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर इसको गलाने के लिए 1/2 कप हम बस इसमें पानी डाल देंगे, और ऊपर से इसको ढाँप देंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगी। दम पे रखना है, फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। ये कलेजी हमारी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसकी हम फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। कलेजी आप हमारी तैयार है, अब इसको हमने सर्व कर दिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आएगी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स दें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये रेसिपी, बनाकर देखें। अल्लाह हाफिज़ अगली वीडियो के लिए।